for an ape with no chill. I can no longer relate to this relative state. I will make it a place to rebuild. हे गाइस, मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे क्या 2060 के लिए वेट करना वर्थ है कि नहीं। जिन लोगों ने 1060 खरीदा होगा वो लोग जानते होंगे कि 1060 कितना अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन इंडियन ऑडियंस का जो है माइंडसेट होता है, मतलब कि वो केवल एक बार स्पेंड करना चाहते हैं और अपने पैसे का मोस्ट आउटकम चाहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज का सवाल उठता है, क्या 1070 लेना सही है या 2060 के लिए वेट करना वर्थ है या 1060 आपके लिए बहुत है। इस चीज में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे और आपको 2060 के बारे में बताएंगे। पहले ही मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये मेरे ओपिनियन है, यहाँ पर किसी भी तरीके के लीक्स नहीं है। जितनी बातें मैं बताऊंगा ये मेरा ओपिनियन रहेगा और मेरा गेस रहेगा, लेकिन मैं मानता हूँ मेरा गेस एटलीस्ट 70% तो सही जाना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं 2060 की VRAM के बारे में, जो कि मैं मानता हूँ सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाली है। 1060 में टोटल दो वेरिएंट थे, एक था 3GB और एक था 6GB। 3GB वेरिएंट के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उसकी जो VRAM थी वो काफी कम थी और मेजॉरिटी जो मॉडर्न गेम्स थे उनमें उसकी VRAM बॉटलनेक करती है। लेकिन 6GB VRAM के साथ भी एक प्रॉब्लम थी, 6GB जो VRAM थी वो मेजॉरिटी ऑफ द गेम फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते थे। ज्यादातर जो गेम्स होते थे वो 5GB पर ही रुक जाते थे, उससे ज्यादा यूज नहीं कर पाते थे। तो एनवीडिया को यहाँ पर ये लगा कि जो है 1GB VRAM है वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस है। तो आने वाला जो 2060 होगा मेरे हिसाब से उसमें एटलीस्ट 5GB VRAM तो होनी चाहिए। वहीं एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये एज अ बजट कार्ड लॉन्च होगा तो डेफिनेटली जो फ्लैगशिप कार्ड में जो फीचर है इस कार्ड में वो फीचर नहीं होंगे। तो मेजॉरिटी जो फीचर है जो फ्लैगशिप में पाए जाते हैं जैसे कि रे ट्रेसिंग, टेंसर कोर, आपको यहाँ पर दोनों ही तरीके के कोर्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर आप रे ट्रेसिंग की ज्यादा चिंता करते हैं या टेंसर कोर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो 2070 एक मिनिमम ऑप्शन आपके लिए होगा। ये सब तो दोस्तों बात हो गई फीचर्स के बारे में, क्या चीजें ऑफर करता है क्या चीजें ऑफर नहीं करता है। लेकिन जो चीज आप केयर करते हैं वो है इसका परफॉर्मेंस और इसकी प्राइस। नाउ बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, जिसके वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए आपको पहले ये देखना होगा कि 1080 टू 2080 में कितना आपको जंप देखने को मिला है। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको 35-40% जंप देखने को मिला है। वही 1070 और 2070 के बारे में अगर बात करें तो भी उनका जंप भी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर आप 1060 और 2060 को कंपेयर करेंगे आप ऐसे रफ आइडिया लगा सकते हैं कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो 1060 और 1070 के बीच होना चाहिए। इन थ्योरी 1060 और 1070 में केवल 40% परफॉर्मेंस का डिफरेंस है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 2060 आपको केवल 35% के आसपास आपको परफॉर्मेंस में जंप देगा। तो यहां पर आपको ये चीज जरूर पता चल गई है कि अगर आप 1060 के बजाय 2060 लेते हैं तो आपको परफॉर्मेंस में जंप अच्छा खासा देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस लेवल है जो आपको वो 1070 के बराबर या उससे थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सब चीजें दोस्तों मोस्टली मैटर करती हैं प्राइस पे। अगर आपको 2060 1060 के प्राइस पर मिल रहा है तो ही मैं मानता हूं कि वेट करना वर्थ है। अगर आप 30% प्राइस ज्यादा पे कर रहे हैं 1060 के मुकाबले और 30% आपको परफॉर्मेंस ज्यादा मिल रहा है तो कोई खास सेंस नहीं बनता। मतलब कि कॉमन सी बात है, आप ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं आपको ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो इस लिहाज से दोस्तों मैं मानता हूं वेट करना वर्थ भी नहीं करता। तो इंटायरली जो गेम है इसका वो है इसके प्राइस पे। और पर्सनली मैं बताऊं मेरा ऐसा मानना है इसकी जो लॉन्चिंग प्राइस होगी वो करीब करीब 25,000 रुपए होनी चाहिए। 1060 की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 21,000 थी 6GB वेरिएंट की। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप 4,000 रुपए देकर 30% ज्यादा परफॉर्मेंस चाहते हैं तो डेफिनेटली वेट करना वर्थ करता है। वही दोस्तों अगर आपको 1060 चीप में मिल रहा है जैसे कि 15,000-14,000 रुपए का तो 1060 कोई बुरा ऑप्शन नहीं है आज भी। तो यहाँ पर दोस्तों मेन कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है कि आपको वेट करना चाहिए कि नहीं। वेल तो दोस्तों ये थे मेरे थॉट्स, आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।